हेलो एवरीवन। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारा कुछ जानने वाले हैं आज की वीडियो में हम लोग, कि 12th के बाद क्या होगा। अगर आपको एग्रीकल्चर चाहिए है और आपको 12th में है तो आप क्या करना चाहिए, आपको अगर आप अंडर ग्रेजुएशन करें, आपको पीजी करनी है, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो क्या होने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है एग्रीकल्चर में, क्या ये एक सिक्योर फील्ड है, क्या ये एक अच्छी फील्ड है, तो ये सारी चीज़ों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग बात कर लेते हैं कि क्लास 12th के बाद अगर आप एग्रीकल्चर ऑप्ट करना चाहते हैं तो क्या है आपके पास ऑप्शन। एक तो है ऑल इंडिया एग्ज़ाम जो है कि है ICER, और दूसरा है हमारे पास जो है स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स होते हैं जो हर स्टेट अपना एग्रीकल्चर के लिए कंडक्ट करवाता है। उसके बाद अगर बात की जाए टॉप यूनिवर्सिटीज़ की, तो बहुत बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे इंडिया में, और इसमें से कुछ मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा में जो है यूनिवर्सिटी, यहाँ पर डेयरी टेक्नोलॉजी का बहुत क्रेज़ है। NDRI में, सॉरी, डेयरी टेक्नोलॉजी का बहुत क्रेज़ है। यहाँ पर ये GVPN जो है बहुत फेमस है, उत्तराखंड वैसे भी हॉर्टिकल्चर को बहुत प्रमोट करता है। और उसके बाद ICER, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, ये हमारा न्यू दिल्ली में है, तो ये बहुत पॉपुलर है। और यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आप चाहते हैं आफ्टर 12th अपना करियर इनमें बनाना, तो आप बेशक बना सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि UG जो है वो कोर्स जो है 4 साल का होता है, लेकिन UG में क्या क्या फील्ड हमें मिल जाती हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं अंडर ग्रेजुएशन में। तो आप BSc एग्री कर सकते हो, आप BSc हॉर्टिकल्चर कर सकते हो, आप BTech डेयरी टेक्नोलॉजी कर सकते हो, आप BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर सकते हो, आप BTech फूड इंजीनियरिंग कर सकते हो, फिशरीज में जा सकते हो, वेटनरी में जा सकते हो, सेरीकल्चर में जा सकते हो, बहुत सारी फील्ड्स हैं। ये तो मैंने कुछ ही लिखी है, बहुत वाइड स्कोप है एग्रीकल्चर का। आप इनमें से कोई भी फील्ड देख सकते हैं, सारी यूनिक है, सबका अपना अपना स्कोप है, सबकी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त फील्ड है एग्रीकल्चर। इसके बाद हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो आप अगर आपका PCM या PCB है 12th में, तो आप एलिजिबल हो ICER एग्ज़ाम के लिए, अपने स्टेट एग्ज़ाम के लिए, जिससे आप एग्रीकल्चर ऑप्ट कर सकते हो और उसमें अपना फ्यूचर बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप बोलेंगे ठीक है हमने UG भी कर लिया, PG का बताइए आप। PG, अगर आप PG की बात की जाए तो आप गेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपका सपना अधूरा रह गया हो IIT में जाने का, तो आप दोबारा पूरा कर सकते हैं। कैसे, अगर आपने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग लिया हुआ है या इस टाइप का BTech से कोई डिग्री कर रखी हुई है इंजीनियरिंग की, तो फिर आप गेट एग्ज़ाम जो है दे सकते हैं। और गेट एक बार आपने क्वालिफाई किया, तो आपके IITs के जितने भी रास्ते हैं सारे खुल जाते हैं। गेट से आप IIT कानपुर, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, बहुत सारे ऐसे IITs हैं जो कि ये कोर्सेज ऑफर करते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड। आप चाहें तो एग्रीकल्चर ऑप्ट करने के बाद अपनी PG जो है आप जो है अच्छे से IIT से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद गेट के थ्रू आप MBA भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। नीति बॉम्बे जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर, बहुत रेपिटेटेड जो है हमारा कॉलेज है, और उसका एवरेज पैकेज जो है वही 22 लाख का है, तो आप समझ सकते हैं। तो गेट आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। उसके बाद है दोबारा से आप ICER दे सकते हैं, उसके बाद टॉप यूनिवर्सिटीज़ दोबारा से ले सकते हैं। अगर आप पहले अटैम्प्ट में चूक जाते हैं तो UG कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए दोबारा से ICER के लिए, और PG में आपको बहुत बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ भी मिल सकती हैं। उसके बाद GRE एक एग्ज़ाम होता है जो आप दे सकते हैं अब्रॉड की पढ़ाई के लिए, इसके बारे में बाद में डिटेल में बात करेंगे अगले वीडियो में। CAT जो है, अगर आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपका इंटरेस्ट है जो एग्रीकल्चर जो हमारा होता है बिजनेस मैनेजमेंट उसमें, तो आप CAT का एग्ज़ाम ज़रूर से दीजिए। इसमें जो है एम करने वाली चीज़ें हैं IIML और यहाँ पर जो है हमारा अहमदाबाद। ठीक है, तो ये जो IIMs हैं उनमें अहमदाबाद जो है आप टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब जो है सबसे ज़्यादा मतलब लोगों के दिमाग में रहता है कि गवर्नमेंट जॉब्स कौन कौन सी मिल सकती हैं। तो यार देखो, एग्रीकल्चर से आपको असिस्टेंट इंजीनियरिंग जो होती है उसमें आपको मिल सकती है जॉब। असिस्टेंट इंजीनियर का जो जॉब होता है उसमें आप जॉब मिल सकती है, उसकी सैलरी अप्रॉक्स 60,000 समथिंग कुछ रहती है। ठीक है, और बैंक में AFO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है। बैंक में ना आपको पता होगा, शायद पता होगा या नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ, कि एग्रीकल्चर के लिए एक रिजर्व होता है, कि मतलब एग्रीकल्चर वाला बच्चा ही उस चीज़ के लिए फाइट कर सकता है। तो यहाँ पर भी आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से अपना बैंक में आप ऑफिसर पोस्ट हासिल कर सकते हैं। UPSC हो गया हमारा, जो स्टेट PSCs होती हैं उसमें भी आप जा सकते हैं। उसके बाद प्राइवेट जॉब्स तो है ही है, जो आपके कैंपस हैं, अगर आपका यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी ग्रैब की है अपने एग्जाम को क्रैक करके, तो आपको तो वैसे ही कुछ नहीं करना है। आपके पास कंपनीज आएंगी, आपको बस उठा के ले जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है। बहुत अच्छी फील्ड है ये, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
तो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.